झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नवंबर महीने में सऊदी अरब से चीन के कच्चे तेल का आयात एक साल के पहले के मुकाबले 13% घट चुका है, लेकिन सऊदी अरब ने दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले चीन के लिए सप्लाई के तौर पर अपनी टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है। पिछले महीने सऊदी अरब ने चीन के लिए 74 लाख टन की सप्लाई की थी। वहीं सीमा शुल्क के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात की पुष्टि की है। पिछले साल अक्टूबर महीने में 167 लाख बैरल पर डे और नवंबर महीने में 206 लाख बैरल पर डे की सप्लाई की गई थी। महीने दर महीने के आधार पर आयात में होने वाली बढ़त ओपेक प्लस के जुलाई के फैसले के अनुसार है, जिसमें अप्रैल 2022 तक कच्चे तेल का उत्पादन बढ़कर हर महीने 40 लाख बैरल पर डे करने का फैसला लिया गया था। चीन का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लाई करने वाले देशों में से एक रूस है। नवंबर महीने में रूस से चीन का तेल आयात करीब पिछले महीने के समान ही 67 लाख टन था, यानी कि 16.3 लाख बैरल पर डे रहा। ब्राजील और अंगोला से कच्चे तेल की आवक में एक साल पहले के मुकाबले गिरावट आई है। इसमें ब्राजील से 28% और अंगोला से 18% की सालाना आधार पर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पश्चिमी अफ्रीका और अमेरिका के सेलर्स एशिया में बड़े बाजार को हथियारे की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से नवंबर महीने में शिपमेंट में एक साल के पहले के मुकाबले 71% और 31% की बढ़त दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल के शुरुआत से लेकर अब तक ईरान या वेनेजुएला से तेल आयात नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।